हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ गुजरात का एक फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे आजकल लोग नली कबाब भी कहते हैं, आलू फिंगर चाट भी कहते हैं। गुजरात में इसे पुंगरा बटेटा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, तो एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने कुकर में 1 किलो बेबी पोटैटो ले लिया है। इसके हम 3 विसल लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा 3 विसल से ज़्यादा नहीं लगाएगा। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि आलू हमारे फटे नहीं। दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में 10 से 15 कश्मीरी सूखी मिर्च ली है। इसमें गर्म पानी डाल दिया है। अब इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून जितना आखा दाना और लीड कवर करके इसको 1 घंटे के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि मिर्च हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं मिर्ची अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो इसकी जो डंडियाँ हैं ना, वो निकाल लेंगे और इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ थोड़ा सा मिर्च वाला पानी भी डाला है। अब इसमें मिलाएंगे 20 से 25 लहसुन की कलियाँ। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर और इसको एक बार मिक्सी में चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जो मैं डालना भूल गई थी, और वापस से इसको पीस लूँगी। दूसरी तरफ आलू उबाल कर मैंने इसे ठंडा कर लिया था। एक पैन में मैंने ले लिया 7 से 8 टेबल स्पून जितना ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम मिला लेंगे आलू। आलू की जो ऊपर की सतह है ना, हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करनी है, क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने इसे 80% तक ही कुक किया है। तो जो बाकी का 20% है, हम इस तरीके से कुक करेंगे। जब इसकी ऊपर की सतह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी हमें। ये वाले पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जो हमारा बाकी का ऑयल बचा है ना, इसमें हम मसाला भुनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरे आलू का हम नमक मिला लेंगे। हमने पेस्ट बनाते वक्त भी नमक नहीं ऐड किया था, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून जितना हींग। हींग डालने की वजह से खुशबू बहुत ही बढ़िया मिलेगी, साथ ही साथ डाइजेस्ट होने में भी आसानी रहेगी। ऑयल हमारा गर्म ही था, तो अब सीधा हम इसमें मिला लेंगे पेस्ट हमारी। पेस्ट बनाते वक्त हमने पानी डाला था ना, तो मसाले हमारे चलेंगे नहीं, और इस मसाले को हम हाई फ्लेम पे ही भुनेंगे। तो हम कब तक भुनेंगे? जब तक कि इसमें से जो पानी डाला है ना, वो उड़ नहीं जाता, एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो कंटिन्यू इसे स्टर करते रहना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी उड़ने लगा है। इस पेस्ट को भुनने में हमें करीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे सिर्फ अदरक का आप यूज़ कर सकते हैं, और सेम प्रोसीजर से इस प्योरे को रेडी कर सकते हैं। तभी देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक उड़ने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें मिलाएंगे करीबन 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। इससे ज़्यादा आप नहीं मिलाएगा, नहीं तो उसका टेस्ट इतना इन्हेंस होकर नहीं आएगा। अब इसमें लास्ट में मिलाएंगे एक मैजिक मसाला, जो कि है पाव भाजी मसाला प्लस सांभर मसाले का कॉम्बिनेशन, जो मैंने 1 टीस्पून जितना डाला है। तो बेसिकली पाव भाजी मसाला और सांभर मसाला को दोनों मैंने मिक्स कर लिया था, उसमें से मैंने 1 टीस्पून जितना इसमें डाला है। अब वापस से इसे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि जो इसकी अरोमा है ना, वो अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। अब लास्ट में इसमें मिलाएंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और वापस से इसको चला लेंगे। अब ये पेस्ट काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, तो इस टाइम पे हमने इसमें मिला लेंगे हमारे तैयार किए हुए आलू और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला है ना, वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ जाए। ये रेसिपी क्विक एंड ईजी है, साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मसालों को कोट कर लिया है आलू के ऊपर। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 कप जितना गर्म पानी। ध्यान रखिएगा ठंडे पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा, और वापस से इसको चला लेंगे। ऐसा करने से जो मसाला है ना, वो अच्छी तरीके से आलू में लग जाएगा। अब तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी उड़ नहीं जाता। तो ये करीबन 1 से 1.5 मिनट हमारे लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पानी उड़ चुका है, ये एकदम तैयार है। लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़े बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। तो लीजिए तैयार है हमारा मसाला आलू। तो इस आलू को कुछ इस तरीके के फ्राइम्स के साथ सर्व किया जाता है। तो ये नली फ्राइम्स है, जिसको मैंने डीप फ्राई कर लिया था। स्ट्रीट साइड पर इस आलू को हल्का सा चाकू की मदद से स्मैश किया जाता है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़का जाता है, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया जाता है, बारीक चॉप की हुई प्याज डाला जाता है, और डालते हैं मसाला मूंगफली। मसाला मूंगफली का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये चाट बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो लास्ट में हम इस पे डालेंगे थोड़े से धनिया पत्ता, और लीजिए तैयार है हमारे पुंगड़ा बटेटा।
अगर आज का वीडियो मेरा आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ पास में देखे बेल बटन को जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।